तो ये ना डाले ना, ऑयल डाले, ऑयल डाले, ऑयल डाले, ऑयल डाले ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने फैमिलीज के साथ हैप्पी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को वेरी हैप्पीली इंजॉय कर रहे होंगे। आज शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी थोड़ी सी कोई रूटीन, कुछ अच्छी बातें, अच्छी यादें, कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसे लम्हे जो मैंने कुछ हद तक आपके साथ शेयर किए हुए हैं और कुछ जो हैं वो हो चुके थे मिस, और वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो क्यों हुए मिस वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसकी वजह आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मेरे मियाँ जी जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं मेरी, काफ़ी हद तक वो मेरी हेल्प करते रहते हैं किसी न किसी काम में, स्पेशली सुबह के नाश्ते में तो वो मेरी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं। कभी एग फ्राई कर देते हैं, कभी ऑमलेट बना देते हैं, तो सुबह का नाश्ता मेरा, ताया जी और मियाँ जी का इकट्ठा होता है और खाला थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपको जब आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ बीवी दोनों को सपोर्टिव होना चाहिए एक दूसरे के लिए, और ना सिर्फ औरत जो है वो मर्द की हेल्प करे बल्कि मर्द को भी चाहिए कि औरत की हेल्प करे। तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे मैंने उनसे चाय मांगी तो उन्होंने चाय मुझे थोड़ी सी दी और मैंने कहा मैं नहीं आपसे बोल रही चाय आप, तो उन्होंने वो भी पी ली मेरी अच्छी भली थोड़ी सी ना वो हो गई तो यहाँ जी बस जादू की तरह काम हो गया और मैंने साफ़ कर लिया किचन और मैंने सफाई शुरू कर दी। सोचा चले अपने रूम से आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कूलर को साइड पे किया है और यहाँ फिर कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश किए हुए थे, सोचा कि फ़िलहाल तय करके रखती हूँ, नेक्स्ट डे जो है वो मैं इसको प्रेस करूँगी और हैंग कर दूँगी, क्योंकि आज मेरा दिल है कि मैं चक्कर लगा के आऊँ मैं किसे, और जल्दी जल्दी से बस की सफाई और फिर बाकी घर की भी सफाई की, और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जो शेयर करनी है। उनमें से एक जो है वो ये है कि काइंडली जो लोग हमारे चैनल पे आते हैं, स्पेशली हम लोग जिनके न्यू चैनल्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, हम बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर आप लोग जो हैं वो वीडियो पे आते हैं स्किप करके देखते हैं या फिर आप बीच में ही वीडियो को एंड कर देते हैं और बुरे तरीके से देखते हैं, तो हमारे चैनल के लिए हमारी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा गलत होता है, नुकसान होता है। तो अगर तो आपने वीडियो फुल देखनी है अच्छे तरीके से, तो हमारी अच्छी सी फैमिली बनके हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, सपोर्ट करें हमें, और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लाते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने वीडियो को ख़राब करना है तो काइंडली बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत प्यार से एक ही बात कहेंगे कि आप वीडियोस को ओपन ना किया करें। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मेरा सारे घर का काम जो है वो हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये ड्रेस निकाला है, ब्लैक पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग की गई है और शलवार जो है वो बेल्ट यानी चुनट वाली है। गला मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जो मैंने बताया था वो नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे हो रही है हमारी तैयारी, और कुछ ज्वेलरी में मैं लूँ या ना लूँ, मेरी जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो मस्ट होती हैं बिकॉज़ आई लव बैंगल्स। जो लोग तो मेरे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हैं उनको तो बड़ा अब तो रट गया होगा कि मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो चूड़ियाँ मस्ट होती हैं। तो यहाँ तैयारी हमारी हो चुकी है कम्प्लीट और अभी हम चलेंगे, अबाया पहनेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अबू जी के घर। अबू जी के घर से अगर हम की बात करूं, उनका जो है वो घर बन रहा था तो उस टाइम पे काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई थी, काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इस गेट को ओपन करने से पहले मैं स्टार्ट टू एंड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेमोरीज़,
कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, घर को तोड़ने से लेके उसकी बुनियादें खड़ी की, चौखट खड़ी की, गाना बांधने की रस्म और जो लेंटर की रस्म है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो रसूमात होती हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, नॉलेज जो है वो इनक्रीज़ होगा। उसके बाद की जो मैंने सारी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि मेरे अपने घर का भी काम हो रहा था, रेनोवेशन हो रही थी और उन की भी वीडियोज़ जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मेरे जेठ का घर भी बन रहा था, फिर अब्बू जी का घर भी बन रहा था, तो मैं हर जगह पे टाइम प्रॉपर नहीं दे सकी क्योंकि सर्दियाँ थी, दिन कम थे और काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो फिर अब्बू के घर में काफ़ी अरसे तक नहीं जा सकी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने उसकी बहुत सी क्लिक्स जो हैं वो ले रखी थी, टाइम टू टाइम वो रिकॉर्ड करता रहा और उसने सेव रखी चीज़ें जो कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है जब आप एक लंबा प्रोजेक्ट लेते हैं और अपने बलबूते पे वो काम करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब आपके भाइयों के मकान बन रहे होते हैं। बहुत सी नेक दुआएं हमारी जो है वो उनके साथ होती है, तो मैं कहती हूँ कि बहनों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि उनके भाई जो हैं वो खुश हों और अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हुई जो मैंने इस घर के मुतालिक बनाई थी, रस्मों के बारे में बात की थी, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस के दे रही हूँ, तो आप जाके वो वीडियोस जो हैं वो चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये सर्दियों की में काम हुआ था। तो आप देख रहे होंगे उसने बड़ी शॉल वगैरह ली हुई है। तो अभी भी जहाँ तक यहाँ पे काम हो चुका है उसके बाद भी काफ़ी काम अभी पेंडिंग में है क्योंकि ये काम आहिस्ता आहिस्ता से होते हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि हमने कुछ ही माह में घर जो है वो गिरा के बना भी लिया और यहाँ तक हम लोग पहुँच के, बाकी काम इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो ये जो स्टार्ट टू एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसके जो काम वगैरह जो पेंडिंग थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी वो आज शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो आप है देखेंगे वीडियो के, मैं जब घर पहुँची थी और उसके बाद हम बहन भाई मिलके जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो शुगर लगाते हैं, जो मेमोरेबल पीरियड हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी बताएं कि आप अपने बहन भाइयों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं तो वीक में एक दफ़ा ज़रूर आती हूँ लेकिन जब काम होता है तो फिर काम आती हूँ। आज की वीडियो यहाँ तक, पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।